नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि ये महीना काफी लंबे समय पश्चात आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही यादगार। उसका कारण है कि एक नहीं बल्कि चार चार ग्रह इस महीने में देने जा रहे हैं अपने दोनों हाथों से आपको भरपूर आशीर्वाद। एक एक कर समझिए क्या क्या गतिविधियां जून के महीने में आपके जीवन में घटित होने जा रही है। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति जून के महीने में क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज लग्न भाव में ही विराजित हैं। अन्य ग्रहों का पूर्ण रूप से आपके साथ सहयोग बना हुआ है और ये अवस्था बहुत ही स्पष्टीकरण में दर्शा कर दे रही है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की अवस्था में बहुत ही सुंदर रहने वाला है। दूसरी अवस्था में धन की माया इस महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, तो यहां आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़े लंबे समय पश्चात पराक्रम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में आए हैं और ये एक बहुत स्पष्टीकरण का संकेत है कि धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए जून के महीने में परिपूरित होने जा रही है। किंतु वहीं दूसरी तरफ राहु महाराज आपके धन भाव में आकर विराजित हुए हैं, ये आसानी से आपके धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करते नहीं है। ऐसी अवस्था में धन से संबंधित स्थितियों में शॉर्टकट रास्ते से जितना दूर रहकर साधारण गतिविधियों में अपने लक्ष्य को साधते हुए धन को प्राप्त करने का आप प्रयोजन बनाओगे, निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए श्रेष्ठ गत अवस्था में कार्य करेंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी आपके मंगल महाराज होते हैं और पराक्रम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। ये क्या संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा है, धन की स्थितियां आपके लिए कार्य करेंगी, किंतु कर्म क्षेत्र में एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये सेनापति हैं और ये पराक्रम भाव में आने के पश्चात में आपसे अधिक मेहनत करवाने के पश्चात आपके लिए रिजल्ट निर्मित करते हैं। तो मेहनत करने की स्थिति का योग इस समय में आपके लिए अधिक रहेगा, किंतु अच्छी अवस्था इसमें क्या है कि हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट देने की बाध्यता यहाँ पर मंगल महाराज स्वराशिस्त होकर अपने आप से लेने जा रहे हैं कि मेहनत आप कीजिए, रिजल्ट देने की जिम्मेदारी मैं अपने हाथ लेता हूं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी ही राशि में विराजित है मालव्य महापुरुष राजयोग लगाकर, किंतु कब तक तो 12 जून तक। 12 जून के पश्चात भी आकस्मिक लाभ के स्थान पर आ जाएंगे, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आ जाएंगे और ये एक बहुत ही सुंदर संकेत कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनता है कि इस महीने आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जो चीजें उलझ रही थी पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी जो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही थी वो देखिएगा एकदम से आपके पक्ष में आने की स्थिति इस महीने में बना रही है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो विद्या भाव के स्वामी बुद्ध महाराज चतुर्थ भाव में विराजित हैं और 14 जून को अपनी ही राशि में विराजित हो जाएंगे। ये भी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत शुभ संकेत माना जाएगा। जहां पर आप अभी वर्तमान समय में एडमिशन के योग चल रहे हैं, ऐसे में जहां आप जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप एडमिशन जा रहे हो वो अवस्था आपके पक्ष में आए, इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत अच्छा कार्य करेगी। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं और 15 जून को ये आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियां बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाती है जो कि आप अपने पार्टनर के साथ में भौतिक सुखों की प्लानिंग कर सकें, पार्टनर के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ में हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत अच्छी स्थिति की मेमोरीज को बनाकर रखें। इस महीने आपके लिए ये एक शुभ संकेत योग बना रहा है।
यात्रा दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। तो यात्रा भाव के स्वामी भी शनि महाराज लग्न में बने हुए हैं। भाग्येश आपका परिपूर्णता से साथ दे रहा है, पंचमेश आपका परिपूर्णता से साथ दे रहा है, धनेश की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और ये एक संकेत है स्पष्टीकरण का कि चाहे आप व्यापार की यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, इस महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता बनाकर देगी। प्रेम संबंधों की स्थिति भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में श्रेष्ठ कारक अवस्था को दर्शाकर दे रही है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो वो कौन से शुभ रंग हैं जिनका पालन कर आप बना सकते हैं अपने आसपास के ऑरा को सकारात्मक। प्रयास कीजिए जून के महीने में सफेद रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का और काले रंग का जितना ज्यादा आसपास के वातावरण में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण की स्थितियों में आप इन रंगों का प्रयोजन करते हैं उतना सकारात्मक ऑरा आपके इर्द गिर्द क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके लिए एक नई पॉजिटिविटी, एक नई ऊर्जा का निर्माण करता है। कोई भी बड़ा कार्य यदि इस महीने में आप करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन कीजिए, आपको सफल होने की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3, 6 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में एक बार इस महीने में अजमा कर देखिए, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। क्या करना चाहिए ताकि एक पक्षगत अवस्था के रिजल्ट हमारे लिए निर्मित हो पाए। शनि की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, चलते फिरते ओम बुधाय नमः का जाप करना इस महीने को निश्चित रूप से बना देगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।